नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल अभिव्यक्ति वेटरनरी रिसर्च सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लाए हैं पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिसे जानकर पशुपालक भाई बहुत ही प्रसन्न होंगे एवं निश्चित रूप से लाभान्वित भी होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि सभी को पता है, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2020-21 में पशुपालक भाइयों के लिए एक सम्मान समारोह की योजना रखी गई थी, जिसके अंतर्गत पंचायत समिति, जिला स्तर, राज्य स्तर पर पशुपालक भाइयों का सम्मान समारोह होगा, जिसमें उन्हें इनाम राशि भी दी जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन पशुपालन विभाग द्वारा किया गया है। इसके लिए आवेदन 21 जुलाई 2021 तक मांगे गए हैं, तो इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए सभी पशुपालक भाई अपना आवेदन अवश्य करें। इस योजना के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगी कि इस योजना में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 2-2 पशुपालक भाइयों का चयन होगा। उन सभी पंचायत समिति स्तर पर चयनित पशुपालक भाइयों में से 2 व्यक्तियों का जिला स्तर पर चयन होगा और जिला स्तर पर चयनित व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का राज्य स्तर पर चयन होगा। इनाम की राशि का विवरण कुछ इस प्रकार है कि पंचायत समिति स्तर पर सभी चयनित पशुपालक भाइयों को 10,000 रुपए की नगद राशि प्राप्त होगी और जिला स्तर पर चयनित समस्त पशुपालक भाइयों को 25,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी और राज्य स्तर पर चयनित पशुपालक भाइयों को 50,000 रुपए की राशि होगी। इस योजना में लाभ लेने वाले इच्छुक पशुपालक भाई बिना 31 जुलाई तक अपना आवेदन भरे। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय में जाएं और वहां से आवेदन प्राप्त करके आवेदन पत्र भरें और वहां जमा करवाएं। आवेदन पत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग से भी संपर्क करें एवं जिले स्तर पर गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटलों में भी संपर्क कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त करें। ऐसे ही पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी योजनाओं के बारे में अपडेट पाने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस योजना को शेयर अवश्य करें।